फूकने के कष्ट के बजाय वहां की जो सीन है ना, वह सीन पर ध्यान जाएगा कि घर में ये मजा नहीं आती, घर में सुविधा ज्यादा आती, पर ये झाड़, ये पहाड़ और ये नदी को, ये जो पानी को झरना, और कहीं मोर बोल रहे है और कहीं जो है वो कोई बोल रहे है, कोई चिड़िया बोल रही है, ये चूल्हा फूंकते वक्त ये आनंद अपने को कैसे आता हो? तो पर्यावरण पर ध्यान कब जाएगा? जब अपनो चित्त दाल बाटी बनाने में लग्यो भयो होएगो, तब कि अपन कहां दाल बाटी बना रहे हैं। आया ना समझ में मुझे? एकदम अपनी राजस्थानी बात है, या में कोई धर्म की और दर्शन की बात नहीं है। तब पर्यावरण पर ध्यान जाएगो। ऐसे जब अपनो कृष्ण में चित्त चौंटे हो, कृष्ण की सेवा में चित्त चौंटे हो, तब अपनो कृष्ण के पर्यावरण पर ध्यान जाएगा कि कृष्ण को पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण कृष्ण को है कि वो भगवान है, वह में भगवत्ता है, वो परमात्मा है, वह में परमात्मता है, वह में ब्रह्म है, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही, वह में पर ब्रह्मता है। या बात पे कृष्ण पे जो अपनो चित्त चौंटे भयो है, वो कृष्ण को पर्यावरण तक को भी फिर पाछो ग्रास्प करेगो। देखो ध्यान से समझे एक बात, क्योंकि कोई भी अच्छी पेंटिंग कोई भी अच्छो फोटोग्राफ को ध्यान से आप देखो, सबसे पहले अपनी निगाह वाके फिगर पे जाएगी, और फिगर देखने में मजा आयो तो फिगर की बैकग्राउंड देखने में मजा आएगा। यदि फिगर देखने में ही मजा नहीं आयो, वहीं से चित्त उखड़ गयो, पेंटिंग देख रहे हैं, फोटो को देख रहे हैं, और जाको फोटो है या जाको पोर्ट्रेट है, वाकू देखने में ही मजा नहीं आ रहा है, फिर बैकग्राउंड कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो इतने डोट डाय तो बहुत कम हो, चलो फिगर नहीं पसंद आया तो बैकग्राउंड तो एक बखत चेक कर लो कैसा है। ऐसे डोट डाय तो 100 में से एक आध व्यक्ति हो, बाकी आदमी को झटपट सौदा तय हो जाए कि फिगर पसंद आए तो फिर बैकग्राउंड देखो, फिगर ही नहीं पसंद है जाने दो ना, बैकग्राउंड को क्या करना, वो तो फिगर की बैकग्राउंड है, अपने से क्या लेना देना वा फिगर को, बैकग्राउंड को। फिगर जो है वो प्राणी है, और वो पेंटिंग या फोटो में जो आपकी बैकग्राउंड है वो आपको पर्यावरण है। ऐसे कृष्ण जो है वो प्राणी है, वाकी भगवत्ता, वाकी परमात्मता, वाकी ब्रह्मता, वाकी बैकग्राउंड है। वह बैकग्राउंड पे अपने को तब ध्यान जाएगो। वा के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ततः संसार दुखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम, है ना? ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक बात नहीं है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात है कि या तरह से अपना मन, या तरह से अपनी बुद्धि, या तरह से अपना चित्त, या तरह से अपना अहंकार काम करते हुए, जो या तरह से काम कर रहे है वाकू वही तरह से काम करते रहते भय कृष्ण में लगानो, वाको नाम जो है वो कृष्ण भक्ति है। कोई नयो मन लेके आओ, कोई नयो अहंकार लेके आओ, कोई नई बुद्धि लेके आओ, कोई नयो चित्त लेके आओ, तो न नो मन तेल आवे न राधा नाचे। जो अपने पास है, जो अपने पास है वाकू समर्पण करने के लिए जा रहे हैं, अपना दारागार पुत्र आप वित्त पर यह पर सब जो है मेरे पास है वो मैं समर्पण कर रहे हूं। अब मैं कोई समर्पण करने के लिए मांगने जाऊंगा? भाई आज मेरे को ब्रह्म संबंध लेना और वहां में दारा शब्द आयो है, तो अभी दारा तो है नहीं, तो थोड़ी देर के लिए तुम दारा बन जाओ ना, समर्पण कोई बनेगी दारा? मेरे पास अभी शादी नहीं भाई है, पति नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ पति के रोल भरने में। जैसे अपन यमुना जी में जावे भाई नहीं हो तो कोई को भाई आज भाई दूज नाना है, चलो तुम भाई बन जाओ, तो यमुना नानी की भाई दूज में जैसे भाई बनाते फिरे, ऐसे समर्पण करने के लिए कोई पति पत्नी बनाएगा कोई को? भाई आज हमको समर्पण करना है, आज हमारे पास घर नहीं है समर्पण करना है, तो चलो भाई ठाको घर मने दे दो थोड़ी देर के लिए मने समर्पण करना, कोई कहेगा ऐसे? कोई नहीं कहेगा। क्या करें अपन? जो है मेरे पास, जो मेरी पत्नी है, जो मेरो पति है, जो मेरो परिवार है, जो मेरो तन है, जो मेरो धन है, जो मेरो घर है, जो मेरे परिजन है, जो मेरी आकांक्षाएं हैं,
उनको मैं अंजलि में भर के और समर्पित करने जा रहा हूं। अहंता, मेरी अहंता और मेरी ममता से जो रिलेटेड है, वा को समर्पण है, और जा को समर्पण है, वा की सेवा है। पर वो अपन जब कर रहे हैं, वा बखत अपने को व्यक्ति दिख रहे हो ना, पर वो यदि प्रोसेस चलती रहे तो फिर अपने को व्यक्ति के अलावा बैकग्राउंड भी दिखे, और वो बैकग्राउंड दिखे, देखो ध्यान से समझो या बात को, कि वो बैकग्राउंड अपने को दिखे या लिए गद्य मंत्र में दो बखत कृष्ण शब्द आते भय और कहीं भी ब्रह्म शब्द नहीं आते भय, भी सारे गद्य मंत्र को नाम कृष्ण संबंध नहीं होके ब्रह्म संबंध है। कृष्ण के लिए समर्पित होना है और ये संबंध कौन सा है? कृष्ण संबंध नहीं है, ब्रह्म संबंध है। क्यों ब्रह्म संबंध है? क्योंकि ब्रह्म वो कॉमन बैकग्राउंड है जो कृष्ण की भी है, और क्योंकि ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म, वो मैंने कल आपको सिद्धांत मुक्तावली में दिखाया, सिद्धांत मुक्तावली में दिखाया कैसे द्विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद् विलक्षणम अपरम तत्र पुरस्मिन् बाद में, तो वा अक्षर ब्रह्म के जो प्रकृति पुरुष माने काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष के अंतर्गत जो पुरुष है, वह पुरुष के पार्ट अपन भी हैं, तो अपन भी तो वही अक्षर ब्रह्म के वातावरण में जी रहे हैं ना। अपने को समझ आए कि नहीं आवे वो कथा दूसरी है, तो अपने को समझ तो ये कहाँ भी आ रही है। ध्यान से समझो कि जा ठाकुर जी को अपन सेवा में पधरा रहे हैं, कृष्ण को जा में अपन ने समर्पण के बाद कृष्ण सेवा को प्रोग्राम जा ठाकुर जी के साथ खड़े है, वो ठाकुर जी अक्षर ब्रह्म में विराज रहे, अपने को समर्पण आ रहे हो, समझ में तो नहीं आ रहा। वो तो अपने घर में विराजे हुए है, वो तो अपने घर में विराजे है, अपने घर की कोई कोठड़ी में विराजे है। अक्षर को तो अपरिच्छिन्न स्वरूप है, देश काल स्वरूप में अपरिच्छिन्न स्वरूप है, अपने घर में वो अपरिच्छिन्न स्वरूप कहां से आएगा? अपरिच्छिन्न स्वरूप तो आएगा नहीं, पर अपरिच्छिन्न घर में अपने स्वरूप नहीं आएगा। ये तो बात समझो के आखो हिंदुस्तान 26 जनवरी के दिन आपको वंदन करने के लिए कहां मिलेगा? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में यदि 26 जनवरी के लिए आपको देश की वंदना करनी है तो देश की कौन सी भूमि अवेलेबल है? किशनगढ़ की भूमि। किशनगढ़ की भूमि अवेलेबल है, वो देश की भूमि है कि नहीं? यद्यपि देश दिख नहीं रहे हो, यद्यपि अक्षर ब्रह्म दिख नहीं रहे हो, पर वह अक्षर देह ब्रह्म को एक पार्ट अपना ठाकुर भी है, वहां में विराजे भयो, अपन भी तो वहीं विराजे भय हैं। अब अपन को विराजना नहीं कह के, अपन क्या कह, वहीं अपन है, ठाकुर जी को अपन विराजना कहो, तो शब्द की डिसेंसी की बात है कि भाई डिसेंट पर्सन के लिए डिसेंट शब्द वापरना चाहिए और कॉमन शब्द के, कॉमन पर्सन के लिए कॉमन शब्द वापरने चाहिए। हमारे बेंगलोर के धीरू भाई थे, वो अक्सर ये मिस्टेक करते कि आप आ जाओ और मैं भी पधारूंगा, कहते ना 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 खोटू बुलाई गयो, कहीं खोटू खोटू बुलाई गयो, साव खोटू बुलाई गयो, आप पधारो ने हूं आवेश, उनसे निकल ही जाते हो कि आप आओ जो ने हूं पर पधारी फिर कहते ना ना कहीं खोटू बुलाई गयो खोटू कहीं ना, पधारने को मतलब भी आनो है, आने को मतलब भी आना, भाई डिसेंट व्यक्ति के लिए अपन डिसेंट शब्द वापर है, कॉमन व्यक्ति के लिए अपन कॉमन शब्द वापर, हमें कोई अर्थ में अंतर नहीं है, वो खाली डिसेंसी को अंतर, भाई बड़े के लिए कुछ कह रहे हैं तो बड़े को जाता है शोभ वाह तरह से अपन वाह शब्द को प्रयोग करें, आओ जो और पधार जो में अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं है, मेरी बात समझ में आई ना? तो या तरह सु या रहस्य को समझो अच्छी तरह से के वह अक्षर ब्रह्म में अपन भी विराज रहे हैं। अब विराज न कहना इनडिसेंट लगे, अहंकार लगे, तो अपन क्या अपन वहाँ हैं, ठीक बात है, वहाँ में कोई बुरी बात नहीं है, मतलब वो को वही है, विराज न को तो भी वही मतलब है, हैं को तो भी मतलब वही है। तो जब अपन दोनों एक ठिकाने हैं, ध्यान से जो आपकी दाल बाटी चूरमा के प्रोग्राम पे टिके रहना हुए,
तो जहां दाल बाटी चूरमा जो एनवायरमेंट में तैयार हो रही है, वह एनवायरमेंट में अपन भी तो है ना, तो अपन दोनों कॉमन एनवायरमेंट में हैं। जब कॉमन एनवायरमेंट में हैं, तब अपनों पहले फिगर के बाद फिर एनवायरमेंट पे ध्यान जावे, पहले से एनवायरमेंट पे ध्यान नहीं जावे। पर ब्रह्म संबंध पहले से करना पड़े कि भाई आ दाल बाटी चूरमा गाल में करनी है, आया ना आपका ये मॉडल है। और या मॉडल को अच्छी तरह से समझोगे तब फिर अपने में भक्ति प्रादुर्भाव होगी, और भक्ति प्रादुर्भाव होगी तो वहां पाछो प्रश्न उठ रहे है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति। महात्म्य ज्ञान के बाद जो अपने को स्नेह हो रहे है वह को नाम भक्ति है। ये भक्ति को लक्षण है, या भक्ति के लक्षण में कुछ जा वक्त अपन ध्यान से देखें, मैंने जैसे अपन कोई काम करवा में कोई सु या कोई बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदे, वो लमसम बिल बना के दे दे 1000 रुपया को, तो अपन आपको कहने भाई हमें ब्रेकअप भी तो दो ना, क्या ब्रेकअप है, कौन सी आइटम कितने रुपया की आई, वहां में तुम्हारे लाने ले जाने को चार्ज को ब्रेकअप क्या है, हमें तुम्हारे पैकेजिंग को ब्रेकअप क्या है। तो वो जैसे अपन ब्रेकअप मांगे, ऐसे या भक्ति के प्रोग्राम को जो ब्रेकअप अपन मांग रहे हैं भाई, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति है, तो आपको ब्रेकअप क्या। तो ब्रेकअप में अपने को ये मिलेगा कि महात्म ज्ञान तो अपने को होएगा बुद्धि से, महात्म ज्ञान तो चित्त से नहीं होएगा, महात्म ज्ञान तो अहंकार से नहीं होएगा। जब भी अहंकार को महात्म ज्ञान में वापरोगे तो आड़े आएगा, मैं कहीं कमा, मैं भी तो ब्रह्म का अंशी है, तो आड़े आएगो। चित्त भी आड़े, चित्त के पास तो अपना कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो चित्त से तो हो सकेगा नहीं महात्म ज्ञान। और मन तो इतना चंचल है कि महात्म ज्ञान समझते समझते कोई दूसरी ठिकाने फिसल जाएगो। चित्त मन के फिसलने को तरीका कैसा है कि ब्रह्म को कितना बड़ा महात्म्य है ये अपन को ख्याल में आयो, अपने को ख्याल आएगा कि ओहो ब्रह्म को बहुत बड़े महात्म्य है कि वो सब कछु बने हैं, सब कछु बने हैं, वहां में ख्याल आएगा कि वो राक्षस भी बने हैं, और वो कृष्ण के बजाय राक्षस में चित्त चोट जाएगा, मन लग जाएगा। ध्यान शुरुआत करी थी अपन ने कृष्ण सु, और वो मन तो एक की कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते हुए कहीं भी पहुंच जाएगा। कृष्ण को कितना बड़ा महात्म्य है कि अपने को संसार दुख से निवृत्त कर रहे है, तथा संसार दुख से निवृत्ति। संसार मने क्या, मेरो घर मेरो छोकरा वाकु चलाने के लिए मेरो दुकान, वहां मैं आज माल कितना बिकियो कितना नहीं बिकलियो, महात्म ज्ञान करते करते मन वहां चले गयो। मन तो या तरीके को गुड़कनो, एक अपने पास इंस्ट्रूमेंट है कि वो रखियो नहीं कि कहीं ना कहीं गुड़क के चले जाए, वाकु रखने में ही खतरा है, कहीं वो जहां रखो वहां रह जाए तो अपन ऋषि मुनि हो गए। जहां रखें वहां मन तो रह नहीं, बुद्धि रह सके, अहंकार रह सके, मन तो नहीं रह सके। तो महात्म ज्ञान मन से भयो भी ना तो बहुत क्षणिक होएगो, एक क्षण के लिए महात्म ज्ञान हो जाएगा और वहां में से कहीं और निकल जाएगा मन। या लिए महात्म ज्ञान जब होएगो तो बुद्धि से होएगो, रति कहां से होएगी, रति कहां से होएगी। महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा दियो कि रति न तो बुद्धि से हो सके है, रति न तो जो है वो अहंकार से हो सके है, रति न तो ऐसा मन से हो सके है, चित्त से तो अपना कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि तो सोवे तब खाली जागे बाकी तो सोतो रहे। रति होवे है भगवान क्योंकि आत्मरमणशील है, और वह आत्मरमणशील भगवान के अपन अंश हैं, तो वह आत्मरमणशीलता की जो आत्मरति है वह को आत्मरति के भगवान, आत्मरति वाले भगवान के अपन अंश होने के कारण अपने में भी आत्मरति को अंश है। रति वहां से आएगी, न तो मन से आएगी, न तो अहंकार से आएगी, न तो बुद्धि से आएगी, अपने आत्मा में आत्मरति होने को आंशिक प्रेजेंस है। एतस्सेवा भूतस्य अन्यानि भूतानि मात्रा मुखो जीवंती वान्याय सु।
रति वहां स्वाइजी, ये वहां को ब्रेकअप है भक्ति को। अब या ब्रेकअप में ध्यान से देखो, मैं ये बात जो प्रश्न पूछो है नीरज में वहां से, तो या बात पे ध्यान से देखो कि जा बखत रति आ रही है वहां महात्म ज्ञान आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अब तो दृष्टि हो तो आवे, दृष्टि नहीं हो तो नहीं आवे। क्योंकि यदि अपने को यह समझ में आवे कि मेरी रति वह परमात्मा की परमात्मा रति को अंश है, तो परमात्मा को महात्म ज्ञान होएगा कि नहीं होएगा? पर वो महात्म ज्ञान रत्यात्मक महात्म ज्ञान होएगा, ज्ञानात्मक महात्म ज्ञान नहीं होएगा। और भगवान जो है वो जगत को करता है, भगवान जगत को पालक है, भगवान मेरो भी रक्षक है, भगवान ये है, भगवान वो है, वह तरीके के सब सुपरलेटिव जो विशेषण भगवान के सामने लगे हैं, उन विशेषण को जा बखत ज्ञान हो ज्ञान होएगो, वाह के लिए प्राइमा फेसी अपने को स्नेह की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है। अरे बाप रे, इतना बड़ा भगवान, ऐसे ऐसी वाकी सामर्थ्य, ऐसे ऐसे वाको वो, तो वाह में अपने को रति नहीं होके समझ में आएगो कि जाके साथ अपनी रति है, वो कितना महान है, वो कितना महान है, ये समझ में आया तो महात्म ज्ञान होएगो। पर वाकी महानता से अपन प्रभावित हो गए, तो प्रभावित अपन कब होएंगे कि वाको महात्म ज्ञान अपने को पसंद आतो हो तो। पसंद आने में पाछो रति आ गई ना, तो महात्म ज्ञान में या तरह से रति छुपी हुई है, और रति में या तरह से महात्म ज्ञान छुपे भयो है। वो सेवा में महात्म ज्ञान छुपे भयो है, सेवा में जो है वो रति छुपी भई है, और सेवन में पाछो महात्म ज्ञान भी छुपे भयो है। ये नीरज के प्रश्न को समाधान है, वह तरह से वह को बैलेंस हुआ है। वो बैलेंस या लिए हो रहे है कि वो दोनों एक दूसरे के मिल के एक कंपोनेंट होल बना रहे हैं, और वो दोनों जो हैं वो उपनिषद की भाषा में कहना है तो अर्धवृगल हैं, माने एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, वो एक दूसरे के कारण कंप्लीट हुए हैं। जैसे बच्चान के खेलने के वो खांचा आवे कि नहीं, जब मैं हाथी घोड़ा बना दिया जाए तो वो एक खांचा में दूसरा खांचा फिक्स हो गए तब वो डिजाइन बने, वो फिक्स नहीं हो गए तो वो डिजाइन ऊंट को हो गए वाको फिर ऐसे अलग अलग डिजाइन में काट के दे दें। वो एक खांचा में दूसरा खांचा बैठे तो ऊंट हाथी घोड़ा सब बने, नहीं बैठे तो नहीं बने। ऐसे ये एक दूसरे के खांचा में फिट होने वाली बात है, जिनके कारण दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के अपन यो समझें कि खाली साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। साथ होना एक अलग चीज़ है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना, माने सप्लीमेंट्री होना एक अलग चीज़ है और कॉम्प्लीमेंट्री होना एक अलग चीज़ है। एक दूसरे को दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, क्योंकि या के बिना वो अधूरा है, वा के बिना ये अधूरा है। तो दोनों जब अधूरे हैं तब दोनों मिलके ही पूर्ण हो सके हैं, अकेले आप में ना ये पूर्ण रहेगा ना वो पूर्ण रहेगा। और या रहस्य को समझने के कारण महाप्रभु जी ने गुड़ स्त्री भाव और गुड़ पुम भाव की आखिर व्यवस्था खोजी कि भाई ये इनमें कोई तरह की प्राइमा फेसी पूरा एक क्यूब दिखते भाई भी कोई तरह की इनकम्प्लीटनेस है, एक दूसरे के बिना, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीटनेस है। जैसे भगवान वैसे भगवान है, पर भक्त के बिना वो भगवान है कौन को ये खुलासा नहीं मिलता हो तो भगवान में एक इनकम्प्लीटनेस आ रही है कि नहीं आ रही है? और भक्त भक्त है, समझो भगवान ही नहीं मानते हो तो भक्त को क्या नुकसान होने वाले? कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, नुकसान सिर्फ एक होने वाला है कि भक्त पनो वाको इनकम्प्लीट है यदि कोई भगवान नहीं है। तो भक्त और भगवान दोनों मिलके एक भक्ति को कंप्लीट कर रहे हैं, वाके बिना भक्ति इनकम्प्लीट रह जाए। भक्ति है, भक्त है, पर भगवान नहीं है तो भक्ति इनकम्प्लीट है। भक्ति है, भगवान है, पर भक्त नहीं है तो भगवान में भी एक तरह की इनकम्प्लीटनेस है। और वह इनकम्प्लीटनेस का प्रभाव, अपूर्णता का प्रभाव भक्ति पे भी तो पड़ेगा,
तो भक्ति की पूर्णता काय में आएगी, जब भगवान और भक्त के खांचा एक दूसरे से मिलते हों तब भक्ति की डिजाइन बनेगी। जैसे घोड़ा ऊंट की शेर की डिजाइन बने, वो खांचा एक दूसरे में बैठ जाए तब वह की डिजाइन बने, वरना तो वो डिजाइन नहीं बने। ये आखोवा को रहस्य है करके महाप्रभु जी ने हमें गुड़ स्त्री भाव और गुड़ कुंभाव की आखी चर्चा करी। ये तो नीरज को प्रश्न तो से मैंने खुलासा किया थोड़ो, क्योंकि सचमुच में ये प्रश्न आवश्यक भी है तो और या पहलू से या आखे विषय को सोचना जरूरी भी है। आज जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मूल में बात ये है, जगन्नाथ जोशी की वार्ता पर स्विच ओवर होने के पहले एक बात अपनी अभी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, और वह आपको कम्प्लीट करना चाह रहा हूँ। और वो बात यह है कि अपन ने ये देखो कि ब्रह्म एक पर्यावरण है भक्ति को, परमात्मा एक पर्यावरण है, ब्रह्म एक बाह्य पर्यावरण है, परमात्मा एक आंतरिक पर्यावरण है। और परमात्मा जैसे एक आंतरिक पर्यावरण है वही तरह से भगवान जो है वो भी एक पर्यावरण है, जो भगवान के कारण भक्त और भक्त के कारण भगवान बन के भक्ति को कंप्लीट बना रहे हैं। ये जो पूरे पर्यावरण है भक्त भगवान होने के और परमात्मा होने के और ब्रह्म होने के, वहां में जो कृष्ण है वहां को प्रायोरिटी महाप्रभु जी ने क्यों दी? यदि भक्ति, यदि कृष्ण सेवा को कृष्ण भक्ति में खिलनी है और कृष्ण भक्ति के लिए ये पर्यावरण जरूरी है ब्रह्म परमात्मा भगवान होने के, तो निरूपण में उनको पहले निरूपण क्यों नहीं? कृष्ण को निरूपण सबसे पहले क्यों? उनको पहले निरूपण आना चाहिए ना, ब्रह्म को निरूपण पहले आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म है तो परमात्मा हो पाएगा, परमात्मा है तो भगवान हो पाएगा, और भगवान है तो कृष्ण अपना सेव्य हो पाएगा। समझो कृष्ण अपने में से कोई को नाम होए, कोई को भी नाम कृष्ण हो सके, बस क्या सेव्य हो जाएगा? वेद में ऋग्वेद में कृष्ण नाम को एक राक्षस है, वेद में वहां को वर्णन नाव है, कृष्ण नाम को एक ऋषि और है पाछो, और वो ऋषि भी पाछो देवकी को पुत्र है, वेद में वहां को वर्णन नाव के देवकी को पुत्र कृष्ण है, और वो ये कृष्ण नहीं है, वो कोई कोई ऋषि है जाने मंत्र खोजे हैं, इंसिडेंटली वो भी देवकी को पुत्र है, वहां को नाम भी कृष्ण है, और वो देवकी को भी पुत्र है, कृष्ण भी है, या वो ये अपनो सेव्य कृष्ण नहीं है, कृष्ण नाम को एक राक्षस भी है वहां, राक्षस है तो वो कृष्ण नाम है अकेले थोड़ी कोई अपना सेव्य हो जाएगा। तो ये बात ध्यान समझो कि कृष्ण सेव्य कब बन रहे हो है कि ब्रह्म है परमात्मा है भगवान है, वा में यदि कृष्ण कोई है, वा पर्यावरण को कोई कृष्ण है, तो वो अपने लिए यहाँ सेव्य बन रहे हो है। कृष्ण नामधारी हर व्यक्ति अपने लिए सेव्य नहीं है, बात मेरी बात ख्याल में आई ना अच्छी तरह से? तो वह कृष्ण को महाप्रभु जी क्यों पहले कह रहे हैं, जबकि थियोरिटिकली तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान पहले आने चाहिए थे, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड की बात है। जहां तक पेंटिंग की बात है, पेंटिंग में कोई भी आर्टिस्ट पेंटिंग बना तो है, अपन आर्टिस्ट को कंपेल नहीं कर सकें कि पहले तुम बैकग्राउंड बनाओ बाद में फिगर बनाओ, या पहले फिगर बनाओ और बाद में बैकग्राउंड बनाओ, अपन कंपेल नहीं कर सकें। हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी चॉइस है, कोई पहले बैकग्राउंड बना दे फिगर बाद में बनावे, कोई फिगर पहले बनावे और बैकग्राउंड बाद में बनावे। जहाँ तक अपने राजपुताना कलम को सलाह ले, आपको ख्याल होए कि नहीं होए शायद, पर एक रहस्य बताऊं कि अपनी राजपुताना की जितनी कलम है, जैसे किशनगढ़ कलम है, जोधपुर कलम है, जयपुर कलम है, कोटा बूंदी की कलम है, इवन कांगड़ा की कलम है, इन सब कलमन में सबसे पहले फिगर बने हैं, वाके बाद बैकग्राउंड बने हैं।
फिगर अपन पहले बना हुए हैं, फिगर को अपन पहले ड्रॉ करने के बाद फिर वाके इर्द गिर्द अपन बाकी सराउंडिंग बना हुए हैं, क्योंकि फिगर से अपन हर बात को कंट्रोल कर रहे हैं। पर हर आर्ट की विधा में वो जरूरी नहीं है, बहुत सारी आर्ट की विधा में जानू हूँ, खास करके बंगाल आर्ट की जो विधा है हमें फिगर बहुत बात बनाया हुआ है। बंगाल आर्ट, बंगाल स्कूल जो पेंटिंग की कहवा है या को वॉश टेक्निक कही जाए, हमें बैकग्राउंड पहले बना दी जाए और फिगर सब सुचल्य बनाया जाए। आर्टिस्ट की अपनी अपनी बात है, पर अपनी बात यहाँ महाप्रभु जी की है वो या तरीके की है कि बैकग्राउंड जो है वो डिफेक्टो पहले है, पर द चॉइस फिगर पहले आ रहे हो। फैक्ट के वाइज बैकग्राउंड पहले है। साइकोलॉजी में भी अपन देख सके हैं, जो मैंने आपको पेंटिंग के बारे में बताई बात, कि पहले अपन फिगर देखे हैं और फिगर पसंद आयो तो बैकग्राउंड देखे हैं। फिगर में ही अपना मन उछट गयो, फिर कोई बैकग्राउंड तो कोई डोडाए हो वही देखने की कोशिश करे कि चलो भाई फिगर अच्छा नहीं लगे तो बैकग्राउंड भी चेक कर लो क्या है। इतना तो डोडाए कोई 100 में से 1-2 व्यक्ति हो, सब व्यक्ति नहीं हो। सबकी चॉइस सबसे पहले क्या है भाई, फिगर कौन को है। मेरे पास कुछ ऐसी पेंटिंग भी हैं जिनमें बैकग्राउंड बहुत अच्छे हैं, फिगर ऐसे भयंकर हैं कि अपने को देखते ही कंटा ला जाए और वो पेंटिंग देखने की अपने को इच्छा नहीं हो। और ऐसी भी पेंटिंग हैं, खास करके यूरोप में पेंटिंग की विधान में, कि जहाँ टेक्निकली फिगर पे अपना कंसंट्रेशन ड्रॉ करने के लिए उनने बैकग्राउंड को हेजी बना दिए, हेजी बना दिए। और सबसे बड़ी पेंटिंग जो मोनालिसा है, बाकी भी बैकग्राउंड हेजी है। मोनालिसा को फिगर, मोनालिसा को एक अबजन रुपया की एक पेंटिंग है, वो अबजन रुपया की एक पेंटिंग में मोनालिसा फिगर जो है वो शार्प फोकस में है और बाकी पूरी जो बैकग्राउंड है वो आउट ऑफ फोकस दिख रही है। कारण क्या? आर्टिस्ट वही बात चाह रहे हो जो महाप्रभु जी चाह रहे हैं, कि पहले फिगर को देखो, पहले फिगर को देखो। और जा बखत अपन को फिगर पसंद आ जाए, वह बखत बहुत सारे देखने वाले कला दीर्घा के शौकीन लोग वह बैकग्राउंड पर ध्यान भी नहीं देते हुए कि है कि नहीं है, क्योंकि मोनालिसा देखने में इतना आनंद आ जाए कि फिर बैकग्राउंड मैंने आउट ऑफ फोकस बनाइए तो क्या परवाह है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक जो हैं पेंटिंग की, वहाँ में बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस बनाई जाए। और वो क्यों बनाई जाए है वहाँ को कारण है कि जब सु रियलिज्म शुरू भयो तब सु आर्टिस्ट को एक बात फील भई कि आँख सचमुच में फिगर को विथ फोकस देखे है और बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस देखे है। आप प्रयोग करके देख लो, आप मुकु देख रहे हो ना, मेरी बैकग्राउंड आपको आउट ऑफ फोकस दिखेगी, मैं फोकस में दिखूंगा। थोड़ा ध्यान हटे और बैकग्राउंड पे ध्यान गए तो बैकग्राउंड फोकस में दिखेगा। आंख में वो ऑटोमेटिक वो सिस्टम प्रोवाइड करी है कि फोकस अपन एक क्षण के आधे भाग में भी चेंज कर सके हैं, पर वो आधे भाग में चेंज कर सके करके अपने को जल्दी से पता नहीं चले है। पर कोई भी फिगर को अपन जा बखत देखे हैं वह वक्त बाकी बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस दिखती हुए है, फोकस में नहीं दिखती हुए है। वो नेचर ने अपने को ये गिफ्ट प्रोवाइड करी है और ये गिफ्ट प्रोवाइड करी है, वह गिफ्ट को महाप्रभु जी भी एक्सप्लोइट करना चाह रहे हैं। भाई फिगर को पहले देखो, ये जो अपना प्रोग्राम है बाकी फिगर को देखो। नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत विनिश्चयम, फोकस करने के लिए, तुम्हारा फोकस ड्रॉ करने के लिए कृष्ण सेवा सदा कार्य। बैकग्राउंड कहाँ गई? अब बड़ी आएगी, धीरे से आएगी ना। कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसीसा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध तनुवित्तजा तत संसार दुख से। फिर बैकग्राउंड आ रही है, निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम।
कितनी देर से बैकग्राउंड में आ रही है, बैकग्राउंड कितनी लेट आ रही है, देखो शार्प फोकस।